स्मार्ट आर्ट गैलरी में आपका स्वागत है। और आज हम 4, 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी फ्रिल वाली ड्रेस बना रहे हैं, जिसमें मैंने 2 कलर का नेट फैब्रिक यूज किया है। इस ड्रेस को आप 4, 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही इजी स्टेप से बना सकते हैं। ड्रेस बनाना बेहद ही आसान है और ये गर्मियों के ओकेशन की ड्रेस है, क्योंकि गर्मियों में ठाकुर जी को गर्मी ना लगे, इस वजह से मैंने इसमें नेट यूज किया है। उम्मीद है आपको ये आइडिया पसंद आए। तो अगर आइडिया पसंद आए तो आप अपने ठाकुर जी के लिए जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल स्मार्ट आर्ट गैलरी को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। आज हम 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 2 तरह का नेट फैब्रिक यूज किया है, पिंक एंड येलो कलर का है। और इसी के साथ में मैचिंग कलर की मैंने लेस ली है, एक गोल्डन कलर की है, एक पिंक कलर की है। और इस तरह से हम इनको मैच करके अब ठाकुर जी की ड्रेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी की जो ड्रेस का माप लेंगे, वो हम नेट को इस तरह से डबल करेंगे और जो नेट की हमने जो चौड़ाई रखनी है, जितना भी हम 1 मीटर जो कपड़ा लेते आते हैं तो 1 मीटर का तो हमारे पास माप होता है, लेकिन जितनी भी उसका अर्ज होता है, बाकी की जो चौड़ाई होती है उतनी सारी हमने चौड़ाई लेनी है उस कपड़े की। और इसको हमने 5 इंच लेना है, 5 इंच डबल करके लेना है, यानी कि हमने 10 इंच कपड़ा लेना है नेट का। लेकिन जब हम अपनी ड्रेस को बनाएंगे तो इस तरह से डबल करके बनाएंगे, तो 5 इंच हमने इस तरह से इसको कटिंग करना है। अब हमने जो हमारा पीला फैब्रिक था, इसको हमने 5 इंच चौड़ाई में काटा है। 5 इंच मैं इसको सिंगल बता रही हूँ, इसको अगर हम डबल करके देखेंगे तो इसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच है। अब इसके बाद हम जो हमारा जो दूसरा नेट फैब्रिक है, उसकी हम जो चौड़ाई रखेंगे इससे थोड़ी कम रखेंगे, तो इसको हमने 3.5 इंच पे रखना है। 3.5 इंच इसको हम पहले डबल कर लेंगे और डबल करने के बाद इसको हम 3.5 इंच के माप पे इसको हम कट करेंगे। इसको डबल करने के बाद हमने 3.5 इंच पे इसको कट करना है। अब यहां से हम इसको कट कर लेंगे 3.5 इंच, यानी कि 7 इंच को हम इसकी चौड़ाई रखते हुए इसको हम कट करेंगे। अब दोनों जो हमने कटिंग की है, दोनों पट्टियों पे हमने दोनों तरफ को जो लंबाई वाला पार्ट है, लंबाई वाला पार्ट जो हमारा दोनों तरफ है, इस पे हमने ये जो लेस हम मैचिंग लेस यूज कर रहे हैं, इस लेस को हम दोनों पट्टियों पे लगा लेंगे। इसको हम इस तरह से दोनों पट्टियों पे दोनों तरफ को हम इसको जोड़ लेंगे। हमने जो लेस लगाई है वो एक तरफ सीधी साइड में लगाई है। इस हमारी ड्रेस के अंदर हमारा जो कपड़ा है, इसके अंदर कुछ बीड्स भी हैं जो कि ड्रेस को एक नया लुक देंगे। अब हमने जो दूसरी तरफ जो लेस को लगाना है, एक तरफ तो हमने सीधी वाली साइड में लगाना है और दूसरी तरफ इसी वाले उसमें हमने उल्टी वाली साइड में इसको लगाएंगे। इस तरह से उल्टी वाली साइड में इसको हम सेट करेंगे, जैसे हमने दूसरी साइड में किया है, लेकिन एक दूसरे के ये दोनों अपोजिट हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने जब लेस को लगाया है तो ये एक पार्ट में मैंने यहाँ पे सीधा लगाया है और यहीं पे दूसरे पार्ट में मैंने दूसरी तरफ लगाया है। इसी तरह से हमने लगाना है, क्योंकि जब हम ड्रेस को अरेंज करेंगे डबल करके जब हम लगाएंगे तो कान्हा जी की ड्रेस में ये इस तरह से लुक आएगा दोनों को जब हम डबल करेंगे, तो इसलिए हमने इस तरह से ही लेस को लगाना है। अब हम ड्रेस को इस तरह से अरेंज करेंगे, दोनों पार्ट को हमने डबल करना है और डबल करने के बाद हमने लगभग 1/2 इंच से ऊपर इसको रखना है। दोनों पार्ट्स को सेम लेंथ में रखना है हमने, लगभग 1/2 इंच, और इस तरह से हमने इसको डबल करते हुए यहां से इसमें सिलाई लगानी है। और सिलाई हम तुरपन की मशीन सुइयों से या सुई धागे से लगाएंगे। इस तरह से हमने 1/2 इंच के बराबर इन दोनों में गैप रखना है और पूरे में इस तरह से ही हम तुरपन ले लेंगे। इस तरह से हमने इसको सिलना है। अभी जब हम इसकी तुरपन करेंगे तो इस तुरपन के धागे को हम धीरे धीरे करके इस तरह से खींचते हुए जाएंगे
और इस तरह से एक गोलदारा बन जाएगा जो ठाकुर जी की कमर पेटी वाला पार्ट होगा, पेट वाला। और इसको हम दूसरे जो हमारे पास फैब्रिक है जिसको हमने इसी तरह से लेस से डेकोरेट किया है उसको भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और इसको हमने बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से खींचना है, जो इसका सीधा पार्ट है वो इस तरह से आएगा। ठाकुर जी की बेल्ट वाला पार्ट हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ये ड्रेस के साथ ही बहुत सुंदर सी ड्रेस में अपने आप ही बन के रेडीमेड होगा। लास्ट वाले पोर्शन में इसको हम यहाँ पे इस तरह से इसको खींच के हल्के हाथ से इस तरह से गोलदारे टाइप में ही आ जाएगा। और इसको हम यहाँ पे डबल धागा करके इसको हम धागे को कट कर लेंगे। लास्ट वाले पोर्शन में ही हमने इसको डबल करना है खींचने, धागे को खींचने के बाद। हम सीधी तरफ से देखेंगे तो ड्रेस का जो फर्स्ट लेयर है वो इस तरह से रेडी होगा। ये टू लेयर्स हो गए हैं और ये भी बहुत ही सुंदर से इस डिजाइन में तैयार हुए हैं। इसी तरह से हम पिंक वाली ड्रेस का भी रेडी करेंगे। पिंक वाली ड्रेस के लिए हम इस तरह से ड्रेस को रखेंगे जैसे सेम हमने उसके लिए रखा था। आधा इंच हमने इनमें दोनों में गैप देना है डबल करने के बाद इस तरह से। और तुरपन हमने सेम इसी तरह से लगानी है इसमें। यहाँ पे हम फर्स्ट में धागे को अच्छे से हम यहाँ पे बाइंड करेंगे, धागे को अच्छे से बांधना है हमने इसमें, ताकि जो हमारा जो बाद में जब हम धागे को खींचते हैं तो वो थोड़ा निकले नहीं। अगर हम सीधा इसको खोलते हैं तो इस तरह से धागा होगा और इसको हम हल्का सा खींचते हुए चलेंगे साथ के साथ इस तरह से। और गैप हमने इतना ही रखना है जितना हमने पहले लेयर में रखा है। और सेम इसी प्रोसेस से पूरी लेयर में इसी तरह से हम तुरपन कर लेंगे और धागे को इसी तरह से लुक देंगे हम। तुरपन करने के बाद आप इसको धीरे धीरे इस तरह से भी खींच सकते हैं एक साथ। मैंने पहले एक साथ ही खींचा था सारे धागे को, आप इसको लास्ट में भी खींच सकते हैं इस तरह से। लेकिन लास्ट में जब हम धागे को खींचते हैं तो थोड़ा धागे टूटने का थोड़ा डर रहता है, बहुत आराम से करना है हमें ये काम जो करना है। इस तरह से लास्ट में हम इसी तरह से लास्ट वाला जो हमने चुन्नट लिए हैं उसके अंदर हमने इस तरह से धागे को एकदम से पक्का करना है डबल धागे के साथ में, ताकि धागा टूटे नहीं और खींचे नहीं इसको। लास्ट में हम बिल्कुल इस तरह से पक्का कर देंगे। दोनों लेयर्स को कंप्लीट करने के बाद अब हम इसमें जो मैचिंग जो खुला हुआ पार्ट है उसके अंदर इस तरह से हम लेस को लगा देंगे। लेस को आप सुई धागे से भी लगा सकते हैं या मशीन से भी लगा सकती हैं। ये देखिए हमारे ठाकुर जी की चार लेयर में ड्रेस बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनके रेडी है। इसको अब हम यहाँ पे जो ज्वाइंट करेंगे इसको हम इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। और ये हमने जो दोनों सेट जो किए हैं वो इस तरह से सेट करने हैं और इनको हम इजीली सुई धागे से सेट करेंगे। अगर आप चाहें तो मशीन से भी इसको सेट कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो पहला हमने टांका लगाना है वो अच्छे से लगाना है ताकि धागा खुले नहीं। और इस तरह से इसको दोनों लेयर्स को हमने स्टिच करना है, क्योंकि हमारे पास पिंक लेयर को हमने ऊपर रखा है तो इसलिए हमने धागे को भी पिंक कर लिया है ऊपर की तरफ। और इस तरह से हमने इसको स्टिच करना है। फ्रिल वाला एरिया बनके रेडी हो गया है, बहुत ही सुंदर सा बनके रेडी हुआ है। अब इसके बाद इसी तरह से हमने ठाकुर जी की चोली बनानी है। इसके लिए हमने यहाँ पे डेढ़ इंच
नेट लिया है, 1.5 इंच की चौड़ाई रखी है और जो लंबाई रखी है वो रखी है हमने 8 इंच, और दोनों फैब्रिक हमने सेम कटिंग में कट किए हैं, दोनों की एक जैसी कटिंग है, 1.5 इंच की चौड़ाई है और 8 इंच की लंबाई है। अब दोनों पे हम मैचिंग लेस को लगा लेंगे जैसे हमने इनमें लगाई थी। हमने यहाँ दोनों पट्टियों को कनेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे हमने इन पे मैचिंग इसकी लेस लगाई है। लेस लगाने के बाद इसको हम बराबर यहाँ पे कट कर लेंगे, बराबर करके इसको कट करना है। कट करने के बाद अब जो ये पार्ट है, अंदर वाला पार्ट है, जो फ्रंट वाला पार्ट है, इसको हमने 1.5 इंच के बराबर आगे की तरफ से सिलना है। तो इसको हम इस तरह से डबल करेंगे और इसको हम यहाँ पे सिल लेंगे, लगभग 1.5 इंच को उल्टी तरफ से सिलना है। इस सिलाई को हमने डबल करना है ताकि ये निकले नहीं, क्योंकि नेट पे से कई बार धागा निकल जाता है, तो इसलिए इसको हम पहले से ही डबल सिलाई करके चलेंगे। जब हम इसको सीधा कर लेंगे तो एक सीधी साइड में हम इसमें कोई भी मैचिंग हम इसमें लेस लगाएंगे, इस तरह से। इस तरह से बीच वाले पार्ट में भी हम इस तरह से लेस ले लेंगे, और ये ठाकुर जी के फ्रंट वाला पार्ट रहेगा चोली का। ठाकुर जी की चोली का फ्रंट वाला हो गया। अब ठाकुर जी की बाजू बनानी है, और बाजू बनाने के लिए हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे, दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे बाजू के हिस्से का हमने यहाँ पे लगभग 1.5 इंच से थोड़ा सा ऊपर हमने इसको कनेक्ट करना है, इस तरह से दोनों तरफ से। हमने बाहर वाली जो साइड है दोनों तरफ से हमने इसको जोड़ना है। यहाँ दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब इसको हम जब सीधा करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर सी ठाकुर जी की बाजू बनके दिखेगी, इस तरह से, ये देखिए। अब आप चाहे तो इसको जो हमने इस पे कनेक्ट किया है यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट सिल सकते हो, बिल्कुल इस वाले पार्ट से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको सुई धागे से आप इसको सिल सकते हो इजीली, पूरे में इसका नाप फिट बैठेगा। और अगर आप इसको सिलना नहीं चाहते हो और इसको ठाकुर जी की ड्रेस ये चोली को अलग से सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे हमने एक पाइपन पट्टी लगानी है। पाइपन पट्टी आप पिंक की या पीले वाले कलर की, दोनों में से किसी की भी लगा सकते हैं। हम यहाँ चोली को अटैच करने के लिए मशीन का यूज नहीं कर रहे हैं, मैं इसको सुई धागे से सिलूंगी। और इस तरह से हमने इसको सिलना है, ये सीधा पार्ट है, और उल्टे वाले पार्ट से हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे इसको, बिल्कुल यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट करना है। इस तरह डबल धागा लेते हुए हम इसको ऐसे सिलाई करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मशीन से सिलेंगे तो जो हमारी चुन्नटे हमने अपने फ्रिल में ली थी ठाकुर जी के जो चोली वाला घेर वाला पार्ट है उसकी फ्रिल जो डिजाइन है वो बिगड़ जाएगा, इसलिए इसको हम सुई धागे से ही सिल रहे हैं। हमारे 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बन के रेडी है। आप इसको सेम माप में, सेम नाप के अकॉर्डिंग आपको 4, 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए इसको इजीली बना सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा घेर रहेगा, फ्रिल रहेगी, ड्रेस उतनी ही प्यारी लगेगी। उम्मीद है आपको मेरा ये आइडिया और ड्रेस बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर ड्रेस पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल स्मार्ट आर्ट गैलरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।